नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हैं, यानी आपकी जो वेबसाइट है आपको लगता है कि उस पर जो है रोज़ाना अटैकर्स आते हैं, यानी अटैकर्स हम ऐसे बोलते हैं जो लोग आपकी वेबसाइट को हैक करते हैं यानी उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस पर जो भी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट के बाद स्लैश लगाने के बाद wp-admin होता है, यानी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। जब भी आप वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जैसे अभी हमारी एक वेबसाइट है, ये देखिए प्राचीनजगत.com, यानी जो भी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर होती है उस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए जाए सबसे जो आसान यानी जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज होता है वो होता है वर्डप्रेस की वेबसाइट का। जैसे मेरी वेबसाइट ये है और अगर आपकी जो भी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट के पीछे स्लैश लगाया जाता है और इसके बाद फिर wp और हाइफन लगाने के बाद एडमिन लगाया जाता है। जब आप इस पेज पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट का लॉगिन पेज होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लॉगिन करने के लिए ये prachinjagat.com/wp-admin ये लॉगिन पेज होता है। लेकिन क्या होता है, इस पेज के बारे में सभी को पता होता है। नॉर्मली जो लोग वेबसाइट बनाते हैं, जिन लोगों को पता है वेबसाइट के बारे में, वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को कैप्चर करते हैं। जैसे इस लॉगिन पेज के बारे में सबको पता होता है तो हर वेबसाइट के बाद wp-admin लगा दिया जाता है तो उसके लॉगिन पेज पर पहुंच जाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी सिक्योरिटी थ्रेट है या आपकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी है तो कोई भी अटैकर्स आपकी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले सकता है। तो उस चीज़ से आपकी वेबसाइट को बचाने के लिए हम क्या करना होता है, हमें अपनी वेबसाइट का जो है लॉगिन URL चेंज करना होता है। अब लॉगिन URL चेंज करते कैसे हैं, इसके लिए चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लगइन्स वाले पेज पर आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर सर्च प्लगइन्स में आपको क्या करना है, चेंज wp-admin इसको टाइप कर देना है, चेंज wp-admin। जब आप चेंज wp-admin पर को क्लिक कर देंगे तो आपको एंटर नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है चेंज wp-admin। इसके बाद आपके सामने जो है आपको देखना है ये चेंज wp-admin जो है नूनो मोरे सैर मेंटो का होना चाहिए, जो कि 50,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसके और मैंने इसे एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है, आपकी वेबसाइट पर जब ये आएगा, यहाँ पर आप प्लगइन्स में आएंगे तो आप इसे यहाँ से एक्टिवेट करेंगे और उसके इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद एक्टिवेट करेंगे, तो मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। अब इसे हम देखते कहाँ से, इसकी सेटिंग कहाँ से होती है, सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको सीधे परमालिंक्स पर क्लिक कर देना है। जब आप परमालिंक्स पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है यहाँ पर अपनी कॉमन सेटिंग जो परमालिंक की सेटिंग है उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये देखिए ऑप्शनल और इसके ठीक नीचे चेंज wp-admin लॉगिन आपको दिखाई देगा। जो ये चेंज wp-admin लॉगिन है इसको चेंज किस तरीके से करना, अभी देखिए जो लॉगिन URL है वो prachinjagat.com का wp-admin है। अब हम यहाँ पर कुछ और करते हैं, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुछ भी, जैसे ap लिख देता हूँ, ap-dp अगर मैं इसे लिख देता हूँ prachinjagat.com/ap-dp तो ये हो जाएगा। फिर जो आपका लॉगिन पेज होगा वो लॉगिन पेज पूरा का पूरा ये होगा और उसके बाद स्लैश लगाने के बाद ap-dp लगाना है। फिर उस लिंक पर आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड आपको भरना है, अभी मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मान लिया मैं ये कर सकता हूँ, इसके अलावा जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। जैसे अगर आप, जैसे हमारे चैनल का नाम ग्लोबल है, मैं यहाँ पर ग्लोबल लिखना चाहता हूँ, ये देखिए global-share। अब माइनस बोलते हैं हम इसे वैसे तो कॉमनली, लेकिन ये हाइफन होता है जो बीच में आता है। अब global-share मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। ये देखिए योर लॉगिन पेज इज नाउ हेयर, तो ये हमारा लॉगिन पेज है। इसे एड्रेस को कॉपी कर लेना और मैं आप कहूँगा कि आपको इसे बुकमार्क भी कर लेना है अपने बुकमार्क के जरिए जाकर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसमें लॉगिन करने वाला हूँ, डा ब्राउज़र है ओपेरा ब्राउज़र में लॉगिन करने के लिए मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा लॉगिन पेज पूरे तरीके से बदल चुका है। अब मैं यहाँ पर जो हमारा डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज है उस पर भी क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए
अब जब आप इस पेज पर आएंगे तो ये सीधा आपको होम पेज पर ले आएगा, लॉगिन पेज पर नहीं लेकर आएगा। तो लॉगिन पेज अभी हमारा ये हो चुका है। अभी ये तो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। इसके बाद अगर फिर भी कभी आपका मन करता है बाद में इसे चेंज करने का, तो आपको फिर से यही चीज़ दोहरानी है और फिर से यहीं पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद इसमें जो भी आप टाइप करना चाहते हैं फिर से टाइप कर जा सकते हैं, और उसके बाद फिर से वहीं से लॉगिन होगा। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर एक वीडियो बनाकर सेपरेट दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाल रंग के बटन पर क्लिक करके, और घंटी का बटन जरूर दबाएँ ताकि अब तक हमारी नई नई वीडियो बहुत ही आसानी के साथ पहुँचती रहे।